अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों आज मैं आपके लिए बिल्कुल होटल स्टाइल की दाल तड़के की रेसिपी लेके आया हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप रेसिपी को फॉलो करते हुए बिल्कुल बनाएंगे तो आपको ये नहीं, नहीं लगेगा कि आप ये होटल की दाल खा रहे हैं या अपने घर पर खुद बनाइए तो आई हैं किस तरह बनती है होटल वाली तरह का दाल मेरे अंदाज में बसमानरम सबसे पहले हम दाल का मसाला तैयार करेंगे इसके लिए हमने दो से तीन टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें एक टी स्पून के करीब ज़ीरा डालेंगे साबुत ज़ीरा और इसे हल्का सा कड़कड़ाएँगे जब ज़ीरे का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब हम इसमें एक मीडियम प्याज को फाइनली चॉप करके डालेंगे और इसे एक से डेढ़ मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाए और उसका कलर हल्का सा पिंक हो जाए बस्मीम एक से डेढ़ मिनट तक प्याज पकने के बाद हल्का कलर चेंज हो गया है और उसके बाद हम इसमें एक टीस्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और उसे भी 20 से 25 सेकंड तक के लिए हल्का सा फ़्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो खुशबू है वो प्याज के अंदर बस जाए फिर हम दो मीडियम साइज़ के टमाटरों को फाइनली चॉप करके प्याज में शामिल करेंगे और उसे भी हल्का सा फ़्राई करेंगे प्याज के साथ बसमीम जब टमाटर हल्के से नरम पड़ जाएँ तब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे सबसे पहले हम एक टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे इसके बाद हम इसमें एक टीस्पून भर कर धनिया पाउडर शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसमें क्वार्टर टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल करेंगे अब बात आती है ायके की तो एक टी स्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और तमाम मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए तेल ऊपर आ चुका है अब हम इसे टमाटर गलने तक के लिए ढककर पकाएंगे तकरीबन पाँच से छः मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर उसमें पर लादर रहीम ठीक पाँच मिनट बाद हमने ढक्कन रिमूव किया है आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल गल चुका है उसमें लादानर रहीम अब बात आती है दाल डालने की हमने एक कप के करीब दाल को सादे पानी में बॉयल कर लिया था बिल्कुल दाल गल चुकी है वो उसमें शामिल कर देंगे और उसे अच्छी तरीके से फिर मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे दाल जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब तो हम इसमें दो से तीन बड़ी वाली हरी मिर्ची चॉप करके डालेंगे मिर्ची जब इस वक्त आप डालेंगे तो उसकी खुशबू एंड तक बरकरार रहेगी अगर आपने हरी मिर्ची शुरू में डाल दी तो उसकी खुशबू बिल्कुल चले जाएगी इसलिए कौन सी चीज़ कब डालनी है इस बात का आपको ख्याल रखना है होटल और घर के खाने में ये फ़र्क होता है कि हम सब चीज़ें घर के लिए एक वक्त में डाल देते हैं जिससे वो ज़ायक़ा नहीं आता अब हम एक टी के करीब ही इसमें काली मिर्च डालेंगे कुटी हुई और एक टीस्पून स्पून के हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे इन दोनों मसालों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसी से होटल वाला ज़ायक़ा डेवलप होता है बिल्कुल एंड में आपने हरी मिर्चें काली मिर्च कुटी हुई और कसूरी मेथी शामिल करनी है बस ये फ़र्क होता है घर के खानों में और बाजारी खानों में जब तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ तब हम इसे ढककर कर एक से दो मिनट का दम देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर बसमानर रहीम दो मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि दाल हमारी बिल्कुल पककर तैयार है तेल भी ऊपर आ चुका है और बेहतरीन तरीके से ये दाल पक चुकी है अब खाली इसका तड़का बनाना रह गया तो आइए इसके तड़के की तैयारी करते हैं तड़के के लिए एक पैन के अंदर तकरीब हम तीन से चार टेबल स्पून के करीब घी लेंगे घी से तड़का देंगे तो बिल्कुल होटल वाला ज़ायक़ा आएगा आप तेल से भी दे सकते हैं लेकिन घी से बिल्कुल होटल वाला जायका मिलेगा आपको इन जब घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाता है हम इसमें पाँच से छः के करीब गोल वाली लाल मिर्च लेंगे और उसे हल्का सा फ्राई करेंगे इसका हल्का सा कलर चेंज करेंगे तड़के की यह आवाज़ भूख को चार चाँद लगा देती है नई खाने वाले को भी भूख लग जाती है तड़के से बनी हुई डिश खूबसूरत भी लगती है और उसके ज़ायके में भी कई गुना इजाफा हो जाता है हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी तो हमारे चैनल के चैनल लकी पी वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज ला सकें तब तक, तक के लिए इजाज़त अल्लाफ़ अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज में रखे आमीन सुमा आमीन